प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू के समर्थन में देश भर में दफ्तर, दुकानें व सभी सार्वजनिक स्थलों पर सन्नाटा देखने को मिला। देश की नाजुक घड़ी में जहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा, वहीं देशवासियों में जनता कर्फ्यू को लेकर एकता, अखंडता व महामारी को लेकर जागरूकता दिखाई दी। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी के बागपत से। जनता कर्फ्यू पूरी तरह से भारतवर्ष में लागू, सभी जगह पर पसरा सन्नाटा। व्यापारियों ने बाजार बंद किया, वह सड़कें सुनसान दिखाई दी। सुबह से ही घरों में कैद हुए लोग, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन सुनसान दिखाई दिए। वह कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए लोगों ने घरों में रहकर अपना समर्थन दिया। तो वहीं यूपी के बांदा जिले में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी दुकानें, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सुनसान दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं उधम सिंह नगर की, तो जनता कर्फ्यू को लेकर जिले में पूर्ण रूप से इसका असर दिखाई दे रहा है। इस मुहिम में पूर्ण रूप से जनता भाग ले रही है। तो वहीं जनपद संभल में भी सड़कों पर जनता कर्फ्यू पूर्ण रूप से असर दिखाई दिया। सभी लोगों ने घर रहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू का समर्थन किया। यूपी के कौशाम्बी जिले में भी जनता कर्फ्यू का समर्थन देखने को मिला। पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी, आने वाले यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। साथ ही पीएम मोदी की अपील का जबरदस्त असर जिले में देखने को मिला। सड़कों पर सिर्फ एम्बुलेंस और पुलिस जवानों के अलावा कहीं कहीं लोग दिखाई दे रहे थे। जारी महोदय के निर्देशानुसार नगर पालिका मंझनपुर आज पूरे नगर पालिका में विशेष सफाई अभियान चलाएगा। प्रमुख चौराहों पर, जिला अस्पताल पर और पीएससी पर, जो भी नगर पालिका क्षेत्र में प्रमुख स्थल है, वहाँ पे आज दिन भर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। सैनिटाइजेशन भी कराया जाएगा। जो हमारे पास उपलब्ध है उनसे हम सैनिटाइजेशन भी कराएंगे प्रमुख स्थलों पर। तो वहीं कानपुर के घंटाघर के चारों तरफ सन्नाटा पसरा। पूरे शहर की चारों ओर से बैरिकेडिंग की गई। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अधिकारी भी तैनात थे और लोग भी कोरोना वायरस को लेकर सचेत हैं। यूपी के मैनपुरी में भी जनता कर्फ्यू का असर दिखाई दिया। दुकान बाजार पूरी तरह बंद रहा। जिलाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। कर रही है, अभी तक हमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है जो अनावश्यक कहीं घूम रहा हो, घर से बाहर निकला हो। जो निकले हैं वो इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही लोग निकले हुए हैं। सब लोग सहयोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस के संपर्क की जो चेन है उसको तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम 18 घंटे से 24 घंटे तक अपने अपने घरों में रहें। और ये अगले कुछ दिन तक हम ये अपने उसको अभ्यास बता दें कि अपने घरों में रहें, कोई आवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकलें। क्योंकि ये वायरस जब भी संक्रमित हो, कोई फर्श है जहाँ आप संक्रमित व्यक्ति ने हाथ वगैरह रखा है, कोई टेबल है, कोई मेज़ है, कोई हैंडल है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिस पे स्पर्श किसी ने किया और हम भी उसको स्पर्श कर देते हैं हाथ से, उसके बाद अपनी आँख, नाक या मुख में लगाते हैं, उससे कोरोना फैलता है। तो जो स्पर्श करने की चैन है इसको तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने घरों में रहें, ताकि ये वायरस अपने आप, अगर है भी कहीं किसी सरफेस पे, तो अपने आप 10 से 12 घंटे 15 घंटे में अपने आप मर जाएगा, उसके बाद हम सेफ हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आने वाले एक सप्ताह तक सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, प्रयास करें घरों से कम से कम। राजस्थान के घड़साना में प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील का पूर्ण रूप से सहयोग देखने को मिला। धानमंडी बाजार पूरी तरह बंद रहे। रोडवेज व प्राइवेट बसें भी पूर्ण रूप से बंद कर दी गई हैं। सभी पेट्रोल पंपों में सन्नाटा दिखाई दिया। प्रशासन द्वारा क्षेत्र में आमजन को समझाते हुए बिना कार्यालय घर से बाहर नहीं जाने की अपील लाउडस्पीकर द्वारा की गई।